टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलामुअलैकुम खवातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। द मॉर्निंग स्टार की एक शानदार एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। एक रंगारंग शो आपके लिए आज भी सजाया गया है कि आप नए नए लोगों से मिलें, नई नई चीज़ें सीखें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपनी ज़िंदगी आप बेहतर करें। आज की थॉट ऑफ द डे क्या है खवातीन और हज़रात, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जब भी मदर्स डे आता है, फादर्स डे आता है, हम बे इंतहा सेलिब्रेशंस में लग जाते हैं, अपने वालदेन को सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए तोहफे लेते हैं, चीज़ें लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि हम ये मोहब्बतें एक दिन पर ही क्यों महदूद कर देते हैं, क्यों ना आज हम अपना एक पेरेंट्स डे मनाते हैं। आज हमारा एक दिन है कि अगर आप उन खुश किस्मत लोगों में से हैं कि आपके वालदेन हयात हैं और वो ज़िंदा हैं और वो सांस ले रहे हैं और अगर आपके साथ रहते हैं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। और आज का वो दिन है कि आपने अपने पेरेंट्स को सेलिब्रेट करना है, आपने अपने वालदेन को आज सेलिब्रेट करना है बिला वजह। जो ये बिला वजह की खुशियाँ होती हैं ना, मैं आपको बताऊँ, इनका कोई मोल ही नहीं होता। जब मदर्स डे आता है, जब आप भी मुझे एक बात बताएं, ख़ास तौर पे ये सवाल आप लोगों से ही है कि जब आपकी सालगिरह आने वाली होती है तो आप लोग कितने ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे होते हैं, अरे यार आज मेरी सालगिरह, मुझे तो बड़े कॉल्स आएंगे, बड़े तोहफे तहफ आएंगे और मैं बड़ा खुश हूँगा। ये अपने ऑलरेडी आपको पता होता है और आपको उसकी खुशी भी होती है, लेकिन जब आपको कोई खुशी अनएक्सपेक्टेडली मिलती है तो उसकी कितनी वैल्यू होती है और आप खुशी से पागल हो जाते हैं। इसी तरह की जो खुशखबरियाँ होती हैं, कोई तोहफा, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपको कोई बिला वजह आपकी तारीफ़ करता है, आपके बिला वजह आपके लिए कोई तोहफा लेकर आता है तो आपको कितनी खुशी होती है। तो आज का वो दिन है, आज आप पेरेंट्स डे मनाइए। अगर आपके कोई, अगर आपके सिर्फ वालदा हयात है या सिर्फ अपनी वालदा के साथ रहते हैं, क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी चलती रहती है, कब कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो आप अपने बच्चों को सेलिब्रेट करें, अगर आप अपने वालदेन के साथ रहते हैं तो प्लीज़ आज का दिन है जो आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट करें। बिला वजह उनके लिए कोई तोहफा लीजिए, एक फूल ले लीजिए, गुलदस्ता ले लीजिए, कोई कहीं जाके आज आप बिला वजह शाम तक अपने पेरेंट्स को कोई ना कोई सरप्राइज़ दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उनकी औलाद उनको एक्नॉलेज करे, उनके लिए अच्छा महसूस करे और उनका दिन बेहतर करे। और मैं आपको बताऊँ, इस पूरी दुनिया में, मैं ज़ाती तजुर्बे से आपको एक बात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया एक तरफ होती है और आपके वालदेन एक तरफ होते हैं, कोई इस चीज़ का नेमुल बदल है ही नहीं, कोई इतनी मोहब्बत आपसे कर ही नहीं सकता जो मोहब्बत आपके वालदेन आपसे करते हैं। तो आज का वो दिन है जो आपने अपने वालदेन को डेडिकेट करना है, खामोशी से दफ्तर से वापसी पे, अगर आज आपकी छुट्टी है तो प्लीज़ उनको बिला वजह बाहर कहीं ले जाएं, बिला वजह उनका दिन अच्छा कर दें। अगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उनकी सेहत थोड़ी सी ख़राब होती है, तो प्लीज़ सेहत ख़राब सुन के सब खांसना क्यों शुरू हो गया यहाँ पे, क्या हुआ सेहत अगर जिनकी ख़राब होती है तो प्लीज़ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उनके लिए आप डेफिनेटली कुछ कीजिए। ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अल्लाह ताला सबके वालदेन को लंबी उम्र अता फरमाए, आपको भी अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, ये दुआएं हम हमेशा आपको देते रहते हैं, अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, किसी मदर्स डे का, किसी फादर्स डे का या उनकी सालगिरह का वेट मत कीजिए। पता नहीं, एक मैं एक्चुअली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आप बड़े होते रहते हैं आपके शौक ऑफकोर्स तब्दील होते हैं। मुझे आजकल रीडिंग का एक बार फिर से बहुत शौक हो गया, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता था लेकिन अब लेटली आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट, मैं बहुत किताबें पढ़ता हूँ, मैगजीन्स मैं बेतहाशा इंटरनेशनल मैगजीन्स लेके पढ़ता हूँ। एक बहुत अच्छा मैगजीन है, उसका नाम है साइकोलॉजी, जो कि पाकिस्तान में आता नहीं है लेकिन अगर आप किसी अच्छे बड़े स्टोर पे जाएं, लिबर्टी बुक्स है या एक दो जो बड़े बुक स्टोर्स हैं, वहाँ से आपको साइकोलॉजीज़ के नाम से एक रिसाला आता है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको वो रिसाला मिल गया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, वो ऐसा लगता है कि आपका दिमाग खोल के किसी ने पर्चों पर फैला दिया, और इतना शानदार वो मैगज़ीन है, आपको लोगों की समझ आएगी, आपको अपनी समझ आएगी, आपको जनरली
लोगों से डील करना समझ आएगा, रोजमर्रा की जिंदगी में बात कैसे करते हैं। कभी कभी हमारा जो टेंपर होता है, गुस्सा, हम छोटी सी बात पे ब्रिंक पे होते हैं, जरा सी बात सुन के हम भड़क जाते हैं। लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि जो जरा सी बात पे आप भड़कते हैं, आपके पूरे जिस्म में इमरजेंसी नाफिज हो जाती है, आपको फालिज हो सकता है, आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, आपकी शरियानें उस वक्त इमरजेंसी में आती हैं और आपको लगता है मैं गुस्सा करके बहुत बड़ी तोप बन गया हूँ। लेकिन नहीं, आप गुस्सा करके खतरे में सिर्फ अपने आप को डाल रहे हैं और अपने घर वालों को एक अफसोस के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। क्यों गुस्सा हराम करार दिया गया हमारे मज़हब में? कोई तो वजह होगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह, इस्लाम एक बहुत ही लॉजिकल मज़हब है, हर चीज़ के लॉजिक्स हमारे मज़हब में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो अगर कभी आपको गुस्सा आ रहा हो, आपका टेम्पर कम हो, ये सारी चीज़ें ना, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैगजीन्स पढ़ता हूँ, तो अंदाज़ा होता है, हमें लगता है हम गुस्सा करके आवाज़ ऊँची करके बहुत बड़ी कोई तोप बन जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ये जब हम गुस्सा करते हैं तो हम एक्चुअली वी आर कॉलिंग फॉर ट्रबल। हमारी तबीयत बहुत जल्द ख़राब हो सकती है। आपको अंदाज़ा नहीं है, जब हम गुस्सा करते हैं तो आपका खून खुश्क हो जाता है। आपको मालूम है बात, ये बहुत ही पते की बात है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन खवातीन और हज़रात, सारी बातें एक तरफ, आज मैं आपको जो बात बताने लगा हूँ वो यही है। आज का दिन अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कीजिए और अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए कोई तोहफा लीजिए और उनको सरप्राइज़ कीजिए, उनको खुश कीजिए, क्योंकि वालदैन से बड़ी नेमत और दौलत कुछ नहीं है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी बिल्कुल ब्रेक पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता रहा था कि आज का दिन आपने अनएक्सपेक्टेडली अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उनको कोई तोहफा देना है, उनका दिन बेहतरीन बना देना है। और वो वाले दोस्त जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं रहे हैं, नहीं उनकी ज़िंदगी थी और वो नहीं रहे, और वो बग़ैर पेरेंट्स के जो लोग रहते हैं, आपके यकीनन कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो करीबी होंगे, उनके पेरेंट्स हयात होंगे, तो दोस्तों के पेरेंट्स भी आप ही के पेरेंट्स होते हैं। तो प्लीज़ आप उनके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि ऑफकोर्स जब ये जो रिश्ता, ये जो जज्बा जब आप शेयर करते हैं मोहब्बत का अपने दोस्तों के पेरेंट्स के साथ भी, तो उनका जो रिस्पॉन्स होगा वो वही होगा जो उनके अपनी औलाद के लिए होता है। एंड आई हैव एक्सपीरियंस, मेरे जितने भी दोस्तों के वालदैन हैं उनका मेरे साथ वही रवैया होता है जो मेरे दोस्तों के साथ होता है। तो अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो आपके जो दोस्तों के पेरेंट्स हैं उनके लिए कुछ लीजिए, बट यू हैव टू डू दिस टुडे। आज का दिन पेरेंट्स को डेडिकेट करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर आसिफ सैयद नाम है इनका, बहुत शानदार डॉक्टर हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा चला रहे हैं। वो इदारा क्या है, एक तोहफे के तौर पर वो इदारा आप तक आज पहुँचेगा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, कैसे फॉर इनवाइटिंग। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि हेल्थ केयर वन आपका एक इदारा है, वो क्या करता है, कब से कायम है? हेल्थ केयर वन हम लोगों ने स्टार्ट किया अबाउट 6 मंथ्स अगो। सारा जो आइडिया स्टार्ट हुआ वो कोविड में, जब हम लोग बाहर, मैं शिकागो में रहता हूँ, फैमिली रह रहा था यहाँ पे, बहुत लोग हैं जिनकी ये सिचुएशन थी, तो यहाँ पे लोगों के आते थे। मेरी सारी ट्रेनिंग पाकिस्तान की है, सारा जिना हॉस्पिटल में सब मैं ट्रेन हुआ हूँ, सारा बैकग्राउंड पाकिस्तान। तो लोगों के फ़ोन के, जी हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वेंटिलेटर चाहिए, सर्विसेज चाहिए। डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल पागल हो गए थे, हम लोग डर के मारे कि कोई अस्पताल जाने से भी तो डर रहे थे, और वो क्राउडेड हुए हुए थे सारे, क्राउडेड थे, एक्सेस नहीं था, लोगों को पता नहीं था कहाँ से सिलेंडर कहाँ से मिले। तो छोटी छोटी चीज़ें पाइलअप होती गई, तो लास्ट ईयर जहन में ही आया कि जी वाई नॉट स्टार्ट सर्विस के इस तरह की करी जाए। तो हेल्थ केयर वन बेसिकली एक होम हेल्थ कॉन्सेप्ट है जो कि अमेरिका में और इवन वेस्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आई यूज़ टू रन एक सर्विस वहाँ पे शिकागो में मैं करता था। तो बेसिकली हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया वो ये है कि जी आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाहर रहते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पे, पेरेंट्स हैं, वाइफ बच्चे हैं और एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें आपको हेल्थ केयर चाहिए घर, तो हम लोगों ने बेसिकली आपके घर पर डॉक्टर, थेरेपिस्ट, हर किस्म की सर्विसेज एट होम। अगर आपको स्पेशलिस्ट अगर वो चाहिए, कंसल्ट चाहिए, तो आपको लेके जाएंगे, आपको अपॉइंटमेंट कराएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरीज, एवरीथिंग। उस पर कवर बेसिकली आइडिया ये है कि यू आप फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए एंड हम आपके जो कुछ है विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। और एक्सपेंसिव कितना है?
एक्सपेंसिव, ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जो कि बहुत बेसिक, हमने साल की एक सब्सक्रिप्शन रखी हुई है, ठीक है, $300 साल का पूरा वो है, और उसमें कॉस्ट जो है वो आपको मतलब सर्विसेज की देनी होगी, बट जो मसाइल ये हल कर रहा है, जो सर्विस हम कौन सा जो हमें अंदाज़ा है वो मच मोर देन द कॉस्ट, और कॉस्ट इज नॉमिनल, वी हैव टू कवर, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और जरियात है ओवरसीज पाकिस्तानी इतने ज़्यादा हैं, सबके मसाइल होते हैं। 6 महीने पहले मेरी वालदा आ रही, मेरे पास रहती हैं, वो आई तो मेरी नर्स वहाँ से कॉल करके कहती है कि जी उनको हार्ट वो कार्डिक पॉज हो गया, ब्रिंग लेकर आओ। तो मैंने कहा तो पाकिस्तान गई हुई, तो विद इन फ्यू आवर्स आई हैव टू सेट अप फॉर पेसमेकर। यहाँ पे उनको पहले आगा खान में मैंने बात करी, फिर तब्बा में उनको इम्प्लांटेशन करवाई इसकी पेसमेकर की। सो मैं खुद इस पूरे प्रोसेस से अपने लिए गुजरा हूँ, जबकि वो मेरे पास थी, सिर्फ छुट्टी पे आई हुई थी, तो पूरा प्रोसेस मैंने किया। मुझे हुआ कि दिस हैज़ लॉट ऑफ वैल्यू, मैं वहाँ पे पैसे कुछ भी करता रहूँ, अगर मेरे पास एक्सेस नहीं होता इन सर्विसेज का यहाँ पे, तो वो मैं अचीव नहीं हो सकता था, और कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ज़्यादा हो सकती थी। तो वो एक ऐसी चीज़ हुई कि मुझे लगा कि जी वैल्यू, जब मेरे लिए इतनी वैल्यू है तो ऑब्वियसली सब लोगों के लिए। और ये सर्विस अभी हमने सिर्फ कराची में स्टार्ट की है, बिकॉज दिस इज वेयर आई एम। इसको शुरू कैसे करें हम लोग, अगर किसी को भी हेल्थ केयर? बेसिकली इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल सीधा है, आप हमारी वेबसाइट है www.healthcare-1.com, वहाँ पे आप जाइए, साइन अप करिए, पैकेज आप बाय करिए, एंड देन जस्ट कॉल अस व्हाट एवर यू नीड इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज। आप डॉक्टर, आपके ये कोई वीडियो या उस बेस नहीं है, दिस इज फिजिकल डॉक्टर, आपके घर पे जाएगा, आपको जो भी ट्रीटमेंट, जैसे महबूब आपके कदमों में, डॉक्टर एट योर सर्विस, दैट करेक्ट। महबूब हमारा मिस हो गया था तो मैंने कहा डॉक्टर ही शुरू कर ले, महबूब मिस हो गया, आपने कहा चलो डॉक्टर को इस काम पे लगा दे, कर ले। एक्सेलेंट। खवातीन रोजा की वेबसाइट को आप गौर से सुनिए, आपके आई थिंक स्क्रीन पे भी आ रही होगी, www.healthcare-1.com, इसको आप अभी लॉग इन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, $300 साल के हैं ये सब्सक्रिप्शन, ऐसी है कि अगर आप इनसे रابطہ करेंगे, सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, और खुदा न खासा घर में कोई इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर विद इन मिनट्स आपके घर पे मौजूद होंगे, फिजिकली आपके पेरेंट्स के लिए या आपके लिए किसी के लिए भी, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी खुदा न खास्ता आ सकती है, तो उसके लिए आई थिंक डॉक्टर साहब, हमेशा कहता हूँ कि जंग की तैयारी अमन में करनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर साहब अभी अगर $300 है तो हम 250 से लगाएं डॉलर, किससे लगाएं, 300 से लगा ले, बढ़ता तो चला जा रहा है, बढ़ता आप कम कर दें, कम कर दूँ। आप जो आप जो आप उस पर करेंगे हम उस पर। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिकली व्हाट इज द मिशन ऑफ हेल्थ केयर? मिशन ये है कि एक्सेस, हेल्थ केयर का एक्सेस हो उन लोगों के पास जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिनको अस्पताल जाने में मसला है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट में मसला है, क्योंकि डॉक्टर साहब काफ़ी सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, इवन काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी मोबिलिटी का प्रॉब्लम है, चल फिरने से कासर है, नहीं चल पाते एज की वजह से, वेट की वजह से कभी कभार। एग्जैक्टली यही सारा कॉन्सेप्ट था कि जी आपके घर पर आएगा, आपको थेरेपी चाहिए, आपके घर पर करेंगे, आपको इस काबिल बनाएं कि आप अपनी डेली रूटीन कर सकें अपने घर पर। एक्सपेट्स का या ओवरसीज पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट इसलिए कि उनकी ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे, जिनकी फैमिलीज हैं वो टेक केयर कर सकते हैं, एक तो परेशान भी रहते हैं ना कि वालदैन यहाँ परेशान रहते हैं, तो हमारा आइडिया ये है कि जी हम टेक केयर करेंगे, हम आपको अपडेट रखेंगे हर हिसाब से, हर चीज़ से आपको उनके रिकॉर्ड आपसे शेयर करेंगे, हर चीज़ ऐसी होगी कि आपके पास एक्सेस होगा। एक चीज़ मैं क्लेरिफाई कर दूँ कि ये हम जो एक आइडिया इमरजेंसी सर्विसेज हम नहीं हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें अगर लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर जाना है या हार्ट का कोई हो रहा है, तो वो एक ऐसा है कि हम लोग इसमें नहीं वो इतना कर सकते, एम्बुलेंस और वो चाहिए, तो वो अभी हम लोग उसमें नहीं है, क्योंकि रिस्क लाइफ एंड डेथ का होता है, तो हॉस्पिटल्स आर बेटर इक्विप्ड। ये चेकअप के लिए खाली, ये चेकअप है रेगुलर आपका, आप डायबिटिक हैं, आपको और कोई प्रॉब्लम है, रेगुलर हर किस्म की हेल्थ केयर नीड आप करेंगे। इमरजेंसी में हम लोग इसलिए नहीं, क्योंकि उसमें हॉस्पिटल की इंटरवेंशन ज़रूरी होती है, उसमें वेंटिलेशन करनी जो कि घर पे नहीं हो सकती, तो रिस्क हम ये नहीं चाहते कि हमारे पेशेंट हमारे। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी तो होगा ना कि जैसे आपके डॉक्टर आते हैं वो इमीडिएटली, कभी कभी आप एक खल्फशार में भी होते हैं कि वेदर कि हमें अपने पेशेंट को अस्पताल लेके जाना भी है या नहीं लेके जाना, एक वो भी तो होता है ना, ज़हनी आप उसमें, तो वो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ओपनली आपको गाइड करेंगे कि क्या है, और हम पूरी सर्विस अरेंज करेंगे, अगर हॉस्पिटल जाना है तो वी विल मेक श्योर कि जी हॉस्पिटल जाएं।
हमारे कुछ डॉक्टर साहब, क्योंकि काफ़ी सारे इस तरह के भी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि एम्बुलेंस कहाँ से मंगाए। बिल्कुल। और ये जितनी भी सोशल सर्विस की एम्बुलेंसेज हैं, सिंध गवर्नमेंट की एक है जिस तरह चीपा की एम्बुलेंसेज होती है, वो उनको पता नहीं होता नंबर क्या है, डायल क्या करें। आई थिंक वो एक ऐसा इदारा हेल्थ केयर वन बन सकता है कि आपके घर पर अगर कोई जैसे किसी भी शोबे से कोई भी एक्सपर्ट अगर आपके पास मौजूद हो तो वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन दे सकता है पूरी। एग्जैक्टली यही है। और दूसरा ये कि दवाइयाँ हैं, अभी लास्ट वीक मेरी एक कोलीग का कॉल आई कि जी लाहौर में कोई मेडिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो वी अरेंज थ्रू वन ऑफ द लोकल, वो हमने यहाँ से शिप करी। उस तरह की सारी सर्विसेज हम लोग विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट स्टफ। एम्बुलेंस वाला है, घर पे दवाई है, एक्सरे कराना है घर से, स्पेशलिस्ट अगेन स्पेशलिस्ट ओपिनियन लेना है, तो अगर आपके घर नहीं जाएगा विल टेक टू द स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट है, एंडोक्राइन है, बेसिक जो होती हैं कि जी हार्ट के प्रॉब्लम है, डायबिटीज सबसे जो कॉमन है, वो सारा हम लोग कवर कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर एवरीथिंग। एक्सेलेंट, ज़बरदस्त खवातीन और आज़ादी, बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है और अभी तक सिर्फ कराची तक महदूद है, लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह इसके सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे, आप लोग इसको सपोर्ट करते जाएंगे, ये पूरा ऑल ओवर द कंट्री मौजूद होगा। अच्छा वैसे एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं ना जो कि बड़े इमोशनल होते हैं, आप उनसे बड़े एक आपका एक हसास मेरे ख्याल से एक चीज़ होती है, आई थिंक वो पेरेंट्स एक बड़ा हसास सब्जेक्ट होता है, आप बहुत ही हसास हो जाते हैं जब आप एक तो खुद भी जब आप वालदैन बन जाते हैं तब भी, और आई थिंक जब आपके वालदैन होते हैं तभी, और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनके वालदैन यहाँ पर हैं, मुझे ये जो दूरी होती है ना ये बहुत ही आई थिंक तंग करती है हर इंसान। ये बिल्कुल वैलिड वो है, मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि जी मेरे पेरेंट्स जब यहाँ पे थे कि जी वहाँ पे रह के मुझे होता है कि जी मैं अफोर्ड भी कर सब कुछ कर सकता हूँ, मैं फिजिकली नहीं हूँ। अच्छा। तो मैं क्या करूँ कि जो उनकी लाइफ ईजी हो जाए अगर वो नहीं आना चाहते या फॉर वट एवर रीजन, तो वो दैट्स वॉट वी आर ट्राइंग टू के, इसमें हम हर किस्म की टेक केयर करेंगे जो आप चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे होते तो वो जो आप करते हैं वो हम आपके लिए करेंगे और आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्म रखेंगे सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। खवातीनों हज़रात, हेल्थ केयर वन एक बहुत ही शानदार इदारा है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वेबसाइट पे अभी जाइए और इससे फायदा उठाइए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। अभी हमने अपनी थॉट ऑफ द डे आपको बताई थी, उसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सवाल जो हैं वो मौसूल हुए हैं, बहुत सारी एक फीडबैक आप लोगों की इमीजिएटली आती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट होता है। समीना ने हमें कराची से मैसेज किया, असफर आपने आज जो थॉट ऑफ द डे बताई है वो वाकई मैं भी दो चार दिन से सोच रही थी, और आज का दिन मैंने अपनी वालदा को डेडिकेट किया है, कोशिश की कि मुझे काम से ऑफ मिल जाए, लेकिन बहुत सी तगो दो के बाद हाफ डे ऑफ मिला है और मैं अपनी वालदा को लेके कहीं बाहर जा रही हूँ। समीरा, आई एम सो ग्लैड कि हमारी जो बात है वो आप पे असर अंदाज हुई, आपने हाफ डे लिया, आज काम भी पूरा करती हैं लेकिन हाफ डे भी लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। आई थिंक वालदैन को वक्त जितना भी दे उतना वक्त कम है। इसके साथ साथ हमें आसिफ साहब ने मैसेज किया है फ्रॉम इस्लामाबाद, उनका सफर आपकी थॉट ऑफ द डे, आपकी थॉट ऑफ द डे की वजह से मैंने अपने वालिद साहब के साथ गोल्फ़ का सेशन बुक कराया है ऑन संडे, वेरी नाइस, ज़रूर अपने वालिद साहब के साथ गोल्फ खेलिए आसिफ साहब, इट्स ग्रेट। मेरे ख्याल से वालदैन को जितना भी वक्त दिया जाए उतना कम है, और एक अच्छी बात ये होती है कि हम हमेशा आपको सिर्फ अच्छी सोचें ही दे सकते हैं, और किसी को एक अच्छी सोच देना एक बहुत बड़ा तोहफा देने के तरह होता है, यू नो जिस इट्स जस्ट लाइक अ गिफ्ट, अगर आप किसी को एक अच्छी सोच दे रहे हैं, क्योंकि उस अच्छी सोच के बाद वो अपनी ज़िंदगी अपना रोज़मर्रा का जो रूटीन है वो काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। जब बात करते हैं रूटीन की तो एक्सरसाइज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूटीन है जिसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि जब जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे, जितनी आप फिटनेस की तरफ जाएंगे, उतना ही एक रिजीम बनता है आपकी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी को एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, और हे वायर सी ज़िंदगी फिर नहीं रहती। आप रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, फुल बॉडी वर्कआउट कीजिए, और आपका बेहतरीन फुल बॉडी वर्कआउट क्या होगा ये जिम हॉलिक से अमरीन शेख आज हमें बता रहे हैं। अमरीन शेख एक बहुत ही शानदार जिम इंस्ट्रक्टर है, और हमारी कोशिश यही होती है कि आप तक उन बेहतरीन लोगों को पहुंचाएं जो कि अपने काम में एक्सपर्ट्स हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। चलिए चल के देखते हैं कि जिम हॉलिक से अमरीन शेख आज फुल बॉडी वर्कआउट में आपको क्या सिखा रही है। अस्सलाम वालेकुम
गाइस, दिस इज अमरीन शेख, फिटनेस ट्रेनर फ्रॉम जिम हॉलिक्स। इस वक्त हम मौजूद हैं जिम हॉलिक्स ब्लॉक एफ नॉर्थ नाजाबाद ब्रांच में। आप हमारे जिम विज़िट भी कर सकते हैं और यू कैन विज़िट आवर पेज टू gymholics.pk। आज मैं आपके लिए कुछ इफेक्टिव एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। हम करेंगे फुल बॉडी डंबल वर्कआउट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे लिए वर्कआउट क्यों ज़रूरी है और वर्कआउट का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। जो मेन कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो सिर्फ यही बना हुआ है लोगों की नज़र में कि हम अगर बहुत ज़्यादा ओबीज हैं या बहुत ज़्यादा मोटे हो गए तो हमें अब अपने आइडियल वेट की तरफ जाने के लिए वर्कआउट करना है या एक्सरसाइज करनी है। ऐसा नहीं है। बेसिकली वर्कआउट करने का मकसद ये होता है कि हम अपनी बॉडी को एक्टिव रख सकें, और एक्टिव रखने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी जो खवातीन या जो भी जेंट्स हैं थक जाते हैं वर्कआउट से नहीं करने की वजह से या डेली रूटीन के कामों में, कि लाइक सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलने लगती है, इन चीज़ों से भी आपको निजात मिल जाती है सिर्फ अपने आप को वर्किंग में लाने के बाद, यानी बॉडी पार्ट्स को वर्किंग में लाने के बाद। तो वर्कआउट इतना ज़रूरी है। वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आइडियल बॉडी वेट अचीव करें, यानी कि अपनी बॉडी को फिट होने के साथ साथ एक्टिव भी करें, एक एक अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको एक्टिव मोड पे लाएं। आपका लाइक थोड़ी सी एज के बाद ख़वातीन उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है या उनको बैक पेन का इशू होने लगता है, इन चीज़ों से रिलीफ उसी वक्त मिल सकता है कि जब अपने आप को थोड़ा सा वर्किंग की तरफ लाएँ। इसके साथ आपको डाइट पर भी फोकस करना होगा, और मैक्सिमम मतलब कि 70% डिपेंड ही आपकी डाइट पर करता है। ये जो हम कर रहे होते हैं एक्सरसाइज या वर्कआउट, इससे हमारा 30% मतलब काम चल रहा होता है। इसके अलावा हमें 70% जो हमारी वर्किंग होती है बॉडी में वो होती है डाइट से। अगर आप डाइट प्रॉपर रखेंगे अपनी, यानी क्लीन डाइट जिसे कहते हैं, तो भी आप अपने गोल अचीव कर सकते हैं, यानी कि अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आज मैं आपको जो वर्कआउट कराऊँगी वो आप घर पर भी कर सकते हैं, फुल बॉडी डंबल वर्कआउट DB वर्कआउट, जिसमें आप डंबल्स की जगह अगर आप घर पे कर रहे हैं तो वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी 1 लीटर की वाटर बॉटल आप यूज़ कर सकती हैं। स्पेशली वो खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, जिम तक नहीं आ सकती, जिम अप्रोच करना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो वो यही स्टेप्स घर पर वाटर बॉटल के साथ कर लें। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है स्क्वाट्स, DB स्क्वाट्स। इसके हम 15 रैप्स लगाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1 down, 2 3, the legs slightly open, 4, the legs open, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। नाउ रिलैक्स। अच्छा, स्क्वाट्स लगाते हुए आपने ख्याल रखना है कि आपके जो हिप्स हैं वो मैक्सिमम जितना आप डीप डाउन लेके जा सकें, ये ठीक इस तरह से। बाकी नीज का ख्याल रखें, अगर नी में पेन हो रहा है तो लाजमी सी बात है कि आपका एंगल सही नहीं। इससे बेटर है कि आप किसी के सुपरविजन में वो वर्कआउट करें, अगर आपके ज़रा से भी कोई एक्स्ट्रा इंजरी या पेन फील हो रहा है उसको अटेम्प्ट करने से पहले। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर अपर बॉडी। अब हम करेंगे आर्म्स, यानी बाइसेप्स एंड शोल्डर। ठीक है, बाइसेप कर्ल्स विद प्रेस, कर्ल्स प्रेस डाउन स्टार्ट। 4 5 6 7 8 9 10 11 लास्ट 12। ठीक। अच्छा, इसको भी करते हुए हम अपने बैक को कंट्रोल में रखेंगे, यानी आपकी बैक जो है वो ज़्यादा अप एंड डाउन हिलती भी नहीं होनी चाहिए। बैक कंट्रोल, शोल्डर कंट्रोल और प्रेस कर्ल्स डाउन। ठीक। नाउ वी आर डूइंग आवर थर्ड स्टेप, और वो है ओब्लिक क्रंचेस। वो भी हम डंबल के साथ ही करेंगे, ओब्लिक क्रंचेस आपके साइड्स को शेप देने के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन. Now move towards our another side. Side change. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13, 14, last one, 15. ओके ये अब हम करेंगे हमारा फोर्थ स्टेप. अच्छा मैक्सिमम खवातीन को इस पार्ट की बहुत प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज़्यादा फ्लैबी हो जाते हैं आर्म्स. इसका फ्लैबनेस कैसे ख़त्म करना है उसके लिए हम करेंगे ट्राइसेप्स ओवरहेड एक्सटेंशन. ठीक है पूरा एक्सटेंड करेंगे आर्म्स को. नाउ स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन फाइव फोर थ्री टू वन रिलैक्स. अच्छा अब हमारा जो स्टेप है वो है हमारा फॉरवर्ड लंज. ठीक है फॉरवर्ड लंजेस लगाते हुए भी अपने नीज का ख्याल रखेंगे हम. ठीक है नीज की बेंडिंग प्रॉपर 90 डिग्री एंगल एंड बैक अगेन अनदर साइड डाउन. नीज जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं एंड अप. सही है नाउ लेट्स स्टार्ट. One, both side. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and last 1. अच्छा इसकी फॉर्म मैं आपको साइड एंगल से ही बता देती हूँ ताकि आपको फॉर्म समझ में आ जाए कि बेसिकली लंजेस लगाते वक्त हमारी फॉर्म क्या होगी. फॉरवर्ड डालने के बाद जब स्टैटिक पोजीशन पे आए डाउन. ठीक नाउ सही ये एंगल होगा हमारा. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात. आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं. वक्त हुआ जाता है आपकी सेहत बेहतर करने का और आपकी सेहत और आपकी शख्सियत पे सबसे ज़्यादा जिस इंसान की चलती है वो हमारे साथ मौजूद है. एक बहुत ही शानदार डॉक्टर एक बहुत ही शानदार शख्सियत हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर. डॉक्टर खुर्रम मुशीर डॉक्टर खुर्रम मुशीर और आपकी एनर्जी जो है ना वो बड़ी पॉजिटिव है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. वो बड़ा इम्पैक्ट करती है. अगर कोई अब जैसे आज यकीन करें मुझे आज सुबह को ना एक और चैनल पे शो में जाना था. बहुत अच्छे होस्ट हैं सब हैं मगर वो एक पता है एक एक्स फैक्टर होता है ना. क्या होता है वो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से ये एक अल्लाह ताला की ये अल्लाह की देन होती है. आप डेवलप नहीं कर सकते ये हो हाँ या तो ये होता है या तो होता नहीं होता पता है. आप जितनी भी मेहनत कर लें एक्स फैक्टर जो नहीं आ सकता तो वो नहीं मिसिंग है. बहुत अच्छे तो बस असफर के साथ तो एक्स वाई जेड सारे सारे जेन जी डॉक्टर साहब जी ये जबकि जेड बिल्कुल सही है मगर पता है क्योंकि जैसा जमाना. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात पूछी थी चूंकि हम लोग बहुत
यूथ बेस्ड भी शोज अपने कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब आप एस्थेटिक्स भी करते हैं जी, 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 जो बोटॉक्स और फिलर्स वगैरह होते हैं। डॉक्टर साहब आपको लगता है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गई है इस चीज को लेके? आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं जी वो आपके आप हमेशा बता दें एक मिक्स आता है लोगों बिल्कुल, का बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर साहब आपको अंदाजा ही हो जाता होगा कि कौन अपनी एक मुसीबत दूर करने के लिए कर रहा है और कौन एक जबरदस्ती शौकिया करा रहे कराया जा रहा है। जी जी बिल्कुल नहीं असल में ख्याल है कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिपेंड करता है शौक पे। ठीक है, अच्छा वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, जो आपके अंदर है ना जो आपका स्टाइल है उसी को आप मेंटेन करें। अच्छा मगर हो ये क्या कल भी मैं तो एक पूरी 50 घंटे की फिल्म बना सकता हूँ। अच्छा कल खातून ठीक है वो अमरीका में है ब्यूटिशन है, इतना बड़ा डिब्बा वो पता नहीं कहाँ नेट से मंगा के वाइटिंग इंजेक्शन का लेकर, और वो सही नहीं है वो कुछ जो फिलिपिनोज जो थाई लोग अमेरिका में काम करते हैं वो बड़े इसके शौकीन होते हैं, तो वो बड़ा मतलब बहुत ही लो क्वालिटी का वो उन्होंने एक इतना बड़ा पैक अमेरिका में ऑनलाइन मंगाया क्योंकि फिलिपिनोज से उनका कोई ताल्लुक था दोस्ती थी, तो वो जाके खुद ही कह रही थी कि आप कर दें मैं खुद ही लगा लूँगी, मतलब अमरीका तक में। ठीक है अमरीका तक में लोग ये करते हैं। अच्छा और एक हो गया कि जी पता नहीं अच्छे अच्छे समझदार लोग गोरा रंग कोई इशू नहीं है, एक क्लियर होना चाहिए। ठीक है अच्छा और बैठे हुए एक कॉम्पिटिशन खामखा का आप अपने आप को इन्हेंस करें ना, अपने आप को एक पर्सनैलिटी को डिवेलप करें, वो नहीं है। ठीक है मेन चीज़ जो होती है वो ये होता है कि बस एक रैट रेस है। ठीक है और ये जीतना है आपको और जीतना है और पता नहीं अच्छा पता है थोड़ा एक मुझे लगता है जिंदगी हम अपनी खुद ही अजाब कर लेते हैं इस तरह के कॉम्पिटिशन्स लगा के क्या मैं उससे बेहतर हूं। हाँ नहीं पता नहीं बेहतर तो होना चाहिए मतलब ये कि वो नहीं मगर पता है उस पर आप इतना बाहर जाते रहे आप देखें लोग एक टी शर्ट पहन के एक छोटा सा एक बर्गर खा के कुछ और अपने आप को एक्सरसाइज करके कोई अच्छा सा बाल करके कितने खुश रहते हैं यहाँ लोग। सब एक चीज जो मैं नोटिस करता हूँ ट्रैवलिंग में आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो लेकिन मेरा जो नजरिया है डॉक्टर साहब वहाँ पे बाहर में दिखते लोग अपनी धुन में रहते हैं अपनी जिंदगी बेहतर करने में अपना कम खाते हैं अपने रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा लगता है कि अगर आप कभी देखें कि कोई मतलब अगर जरा से भी कोई एक सड़क पे कुछ हो रहा सब रुक जाते हैं। अच्छा वैसे आप गाड़ी को रुकेगा नहीं इधर से धक्के मारते हुए जा रहे हैं अल्लाह ना करे कुछ हो जाए सब खड़े गाड़ियां खड़ी कर करके और बड़े अच्छे सूटेड बूटेड लोग गाड़ियां खड़ी करके आके देख रहे हैं। हाँ देखना शुरू जाते हैं लेकिन इतना गुस्सा आता है। ठीक है अच्छा सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह का शुक्र है आपके पास सब कुछ है। पता नहीं क्या लोगों ने सपने आगे तक कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए ये करोड़ आ जाए उसका ये लोग पता नहीं आरज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं। ठीक है कि वो मतलब खुश नहीं है कि भाई अच्छा अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा खाया मैं एक अच्छे से सस्ते जिम में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा एक्सरसाइज कर लूंगा अच्छा आज अच्छा सिंपल खाना मिल गया एक अच्छे से कपड़े पहने। ठीक है कॉटन के हों 200 रुपए की 150 रुपए की टी शर्ट हो ठीक है मगर आप अच्छे लगे मगर वो पता नहीं महंगे वो इतने वो पता नहीं कौन से ब्रांड के कौन से बुटीक के लाखों रुपए कहीं से चुरा के मांग के डिप्रेशन करके और कोई उसके अंदर वो ही नहीं आती छवि नहीं आती है ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप खुश रहें सिंपल खाएं अपने आप को अच्छा करने में लगे रहें। लेकिन डॉक्टर साहब हमारा सवाल था बेसिकली आपको लगता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है जो यंगस्टर्स हैं वो ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं फिलर्स और इन चीजों को लेके? पता है असफर वही बात हो रही है देखिए यंगस्टर्स जो है वो आप जो है वो घर में जो देख रहे हैं ना वही कर रहे हैं वही करेंगे ना वो मतलब उनके अंदर एक खुलापन अभी तक नहीं है बहुत कम लोग हैं मतलब एक देखिए यंगस्टर्स में भी ना एक अंदर अजीब और गरीब एक अजीब परेशानियां एक वो खुलापन नहीं आप घर में जो माहौल देखते हैं ना और बस वो 2-3 साल में आपकी पर्सनालिटी तो बन जाती है। ठीक है उसके बाद आप मुतवातिर वही देख रहे हैं घर में एक घुटन है कॉम्पिटिशन हो जाए ये हो जाए ये हो जाए किसी लड़की ने अगर कोई बाल कम है तो कोई लड़की ने गंजा कह दिया। अरे भाई अगर आपके बाल कम हैं आप उसको ग्रो करें ठीक है उसको पैटर्नाइज करें सही तरह फिर आप क्या करें बॉडी को फिट करें ठीक है और अपने आप को अच्छा दिखें ये थोड़ी उसको आप ग्रो कर सकते हैं। कोई वो जो है वो जो मेरी शादी हो रही है तो इतने गोरे हैं कि वो अरे वो कौन से ख्याली गोरे हैं मतलब आप उनसे अच्छी हैं अपने आप को अच्छा करें ना। तो ये रोजाना लोग इतना एक दूसरे से वो सुकून होना चाहिए ना अपने आप को अच्छा करें दूसरे को इंस्पायर करें कुछ बातें भी ऐसी हो अपने अंदर चीजें डेवलप एक्स फैक्टर वो मुश्किल से होता है बिल्कुल कुछ क्रिएट करें मतलब वो ये सिर्फ महंगे कपड़े पहने से या 18 लाख रुपए का चेहरा पे कुछ लगाने से कुछ नहीं होगा बिल्कुल अंदर से भी तो कुछ
डॉक्टर मेरे ख्याल से जब जो लोग अंदर से मुतमईन और खुश होते हैं जी आई थिंक वो चेहरे पे वही नेचुरली ग्लो वही उसी चीज का आता है बिल्कुल और फिर आपकी बात कुछ भी ख्याल आप ब्रेक पे जाने जा रहे हैं या कुछ नहीं डॉक्टर साहब मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज हम करने क्या वाले हैं असर हां क्योंकि मैं यहां से मुझे नजर आ रहे हैं कि बैंगन रखे देखिए असर मैं आपको अब मैं खुद देखा नहीं आप शेख मुरीजा की नौकरी पे लात तो नहीं मार नहीं 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 असर आपके प्रोग्राम में असर को खुद बहुत शौक है गार्डनिंग का और मैं खुद लोगों को कहता हूँ देखिए क्रिएटिविटी करें ना सिंपल चीजें छोटी सी जगह आप खुद देखिए मैंने घर में खुद उगवाया है ये देखिए घर का उगा हुआ ठीक है बैंगन देखे ठीक है ये देखिए कितना छोटे छोटे इसमें खुशियां मिलती हैं आपको बिल्कुल आप घर मिट्टी में काम करते हैं पौधे बड़े होते हैं आपके अंदर एक निखार आता है लोग ये चीजें नहीं करते एक्चुअली इसको हॉर्टिकल्चर थेरेपी कहते हैं इट्स एक्चुअली अ थेरेपी व्हिच मेक्स यू फील गुड आपको पॉजिटिव करता है अच्छा महसूस कराता है तुम्हें पता नहीं समझ में नहीं आता लोग इतने वो क्यों होते हैं स्टेटस कॉन्शियस भाई मैं कहता हूँ मैं सड़क पे जॉगिंग कर रहा हूँ ठीक है मैं घर में छोटी सी जगह हो गई मैंने सब्जियाँ उगा ली हमने तो कभी आज तक कभी मिट्टी को हाथ नहीं लगाया सड़क पे कभी जॉगिंग नहीं की अच्छा पता और ये बहुत सारी खवातीन को कहता हूँ आपने देखिए आपको ये करना पड़ेगा तो आप ये ठीक हो आज तक तो किया नहीं अरे भाई आपको मतलब करेंगे तो पता आपने दूसरी मंजिल से आज तक छलांग मारी है नहीं मारी मगर आपको पता है ना कि मारेंगे तो क्या होगा लोग कहते हैं आज तक तो किया नहीं वो पता नहीं करने से अरे हर चीज करने से नहीं पता होती कुछ अल्लाह ने यहाँ भी एक छोटा सा ना कुछ डाला हुआ है बालों के अंदर और आंखों के ऊपर अच्छा डॉक्टर साहब सना ने भालपुर से आपके और कड़ी पत्ता भी है सर जी डॉक्टर भी मैं घर से उगा के लाया डॉक्टर साहब मुझे क्या डॉक्टर साहब आज आप बना क्या रहे आज मैं एक भगारे बैंगन पाउटी गुलाबी होंठ अरे वाह जबरदस्त क्योंकि डॉक्टर साहब सना ने भावलपुर से यही हमसे सवाल पूछा है जी कि मेरे लिप्स डार्क हो गए हैं ना मैं स्मोकिंग करती हूँ ना कोई लिप टिंट कभी लगाया है इनकी उम्र 17 साल है बिल्कुल देखिए डॉक्टर साहब 17 साल की उम्र में लिप्स क्यों डार्क हो गए हो सकते हैं एक तो जेनेटिक होता है ठीक है जीन्स में होता है यानी आपको विरासत में मगर उसको अच्छा कर सकते हैं ठीक है कुछ भी विरासत में ले उसको अच्छा कर सकते हैं सेकंड चीज क्या करते हैं यंगस्टर्स भी होते हैं छोटे बच्चे वो क्या करते हैं सर्दियाँ आती हैं तो वो ना ये होंठ काटते रहते हैं लिप लिकिंग भी करते हैं ठीक है जबान फिरते रहते हैं बहुत सारी लड़कियाँ छोटी भी होती हैं तो लिपस्टिक लगाती रहती हैं ठीक है रात को लगा के सो गई या बहुत सारी डिस्कार्ड हुई भी लगाती रहती हैं स्मोकिंग भी एक रीज़न है ठीक है चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो बहुत सारे ऐसे फेस वॉशेज हैं ठीक है जो बहुत हार्श होते हैं ठीक है अब उसको सैलिसिलिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो आमतौर पर वो आपको कस्टमाइज होते हैं कि आपके एक्नी के खड्डे हो रहे हैं या चिकन पॉक्स तो क्या करते हैं लोग उससे रगड़ते हैं एकदम से गोरापन आता है होंठ भी उससे रगड़ देते हैं उससे आपकी अपर लेयर डैमेज हो जाती है वो भी डार्क होना शुरू करते हैं जी अच्छा डॉक्टर साहब हिरा ने साहिवाल से पूछा है जी कि मुझे दांत हो जाता है गर्दन पे जी और वो कह रही है कि मैं उससे बहुत परेशान होती हूँ चला जाता है फिर आ जाता है चला जाता है फिर आ जाता है बिल्कुल आप यकीन करें कल मैं आपको बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं करा गिना है मैंने कल 22 लोग मैंने दांत के देखे ठीक अच्छा। है आजकल मौसम है ठीक है एक तो गर्मी ठीक है ह्यूमिडिटी बारिश का मौसम ठीक है और थर्ड ये है कि थोड़ा हम लोग कपड़े कॉटन पहने ठीक है और डेली नहाना है बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा बड़े अच्छे लोग मैंने कहा आप रोज़ाना नहाते हैं स्लैश नहाती हैं नहा तो एक दो दिन रह जाते हैं इस गर्मी में ठीक है तो एक दो दिन नहीं रहना चाहिए बल्कि दिन में दो दफ़ा अब ये और बात है अब ये नहीं कहेगी कराची में पानी नहीं है अच्छा मुझे लोग आते बेचारे मैं अब दिल की बात कर लूँ कि लोग बेचारे बड़ी मोहब्बत से आते आते ही तो मुझे बताएंगे सड़क टूटी हुई है एक तरफ से नाला बह रहा है उधर कूड़े का ढेर है इधर डाकू ने लूट लिया उधर पुलिस ने पकड़ लिया ठीक है उसके बाद क्या हुआ जब हम मुड़े तो आगे जाते ही वहाँ पे पता नहीं कौन खड़े थे सब तरह लोग आके फिर हम आपकी क्लिनिक में बड़ी मुश्किल से आए तो ये सब मेरे खाते में आ जाता है अगर वो लुटे या गटर बह रहा है ठीक है अब वो कहते हैं कि वो कराची को स्वाद बना दिया मैंने कहा कैसे कह रहे हैं एक तरफ कूड़े के ढेर लगे हुए नीचे दरिया की जगह गटर बह रहे हैं ठीक है तो वो तो देखिए हमारा कसूर तो नहीं है ना तो वो आप उसी में गुजारा करना है सब भी बात वैसे बिल्कुल सही है कल मैं बीच पे शूट कर रहा था जी और डॉक्टर साहब मैं आपको बता नहीं सकता इतना खूबसूरत लग रहा था शाम का मंजर बहुत हसीन लेकिन ही नहीं मैं आपको बात बताऊँ अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे जी 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 उनके बच्चे भी मुझे अफसोस होता है डॉक्टर साहब लोग कहते हैं ना कि शायद तालीम की कमी की वजह से लोग ये करते हैं लेकिन कल मैंने खुद देखा और डॉक्टर साहब अगर मैं समझाने के लिए भी कहीं जाऊँ तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि आप हमें क्यों बता रहे हैं अपना काम करें आप सोचिए बड़ी कन्वीनियंटली वो एक चिकन आती है डब्बे के अंदर उन्होंने चिकन का ही डब्बा यूं बाहर फेंका मैं देख रहा हूँ शूटिंग का कोई 200 लोगों का क्रू देख रहा है
डब्बा फेंका, छोटी बच्ची ने कॉर्न खाया, वहीं फेंका और फेंक के पूरी फैमिली अच्छी गाड़ी में, अच्छे पॉश पढ़े लिखे लोग चले गए। और फिर हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। अब आपके घर में भी तो गवर्नमेंट आके सफाई तो नहीं करेगी। अब हमें आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें खुद ये इकदाम लेने चाहिए। वक्त हो जाता है छोटे से ब्रेक का। खवातीन रोजा यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं और आज ये क्या करिश्मा करने वाले हैं ये पता चलेगा ब्रेक के बाद। कहीं मैं जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और हमारे बैंड के लिए एक बहुत बड़ा सा बैंड क्या याद दिलाया है, गाना मुसर्रत नज़ीर का। वाह वाह क्या बात है। मुसर्रत नज़ीर साहिबा यूएसए में मुकीम है, पाकिस्तान की आन बान और शान है। क्या खूबसूरत आवाज़ है, मूवीज़ में भी काम किया, क्या खूबसूरत उनके गाने रहे हैं। उनका एक गाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एक गज़ल है उनकी जो कि मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। बहुत ही खूबसूरत गाऊंगा। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज आप हाथ मत जोड़े कि गाना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं हाथ नहीं जोड़ा, मैं हाथ दिखा रहा हूँ। एक उनकी खूबसूरत गजल है, ये जो दीवाने से दो चार नजर आते हैं इनमें से कुछ साहिब असरार नजर आते हैं। यूट्यूब पे जरूर सुनिएगा। ब्यूटीफुल गजल है जो कि मुसर्रत नज़ीर साहब ने गाई। कमिंग बैक टू द शो डॉक्टर साहब, आज हम क्या कर रहे हैं? जी जी अच्छा सर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले हम करेंगे जी। आपकी बिल्कुल बोटॉक्स भी करते हैं, फिलर्स भी करते हैं कि आपके होंठ बड़े गुलाबी हों और थोड़े पाउटी हों, ठीक है, प्लम तो, हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, थोड़े से ना देखो। और देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी करवाए बड़े ध्यान से करवाइए, ठीक है, क्योंकि बहुत खराब उनका शेप भी हो जाता है एक दफ़ा तो। ठीक है मैं फौरन शुरू करता हूँ। अच्छा जी देखिए, सबसे पहले अब मैं बेसिक चीज़ों के अलावा मैं इसमें आज होम रेमेडी के तौर पे करें। आप देखिए, एक मैं आपके लिए खास तौर पे बल्कि किसी आपके व्यूअर को देना चाहे उनको देंगे भी, ये मैं लिप बाम लेकर आया हूँ, ठीक है। ये इसमें क्या है, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, और इसके साथ है बीज वैक्स भी है। शहद की मक्खियों का जो छत्ते का जो वैक्स होता है वो भी इसके साथ है। अच्छा अब आप लगाएंगे, हो सकता है इसमें थोड़ा सा घास फूस आपको नजर आए तो आप बिल्कुल माइंड नहीं करिएगा, बड़ा अच्छी चीज़ है। ये ऑर्गेनिक है, ये बहुत जल्दी आपके होंठों को पाउटी करेगा और बड़ा अच्छा गुलाबी। मैं आपको खुद लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपके में जो हमारे मॉडल को लगाऊंगा उसमें देखिए क्या इम्पैक्ट होगा। ये देखिए, ये आप लगाएंगे, हर कोई लगाए। डॉक्टर साहब कैन आई ट्राई? प्लीज करें ना सर, ये करें लगाएं, लाइव लगाएं सर। डॉक्टर साहब तो थोड़ा मिंट भी है, मिंट है इसके अंदर, जाफरान है इसके अंदर, कलौंजी है, ठीक है, और इसके अंदर है थोड़ा सा पेपरमिंट जो आपको पाउटिंग। और सब ये अगर खवातीन और हजरात के बच्चे भी जो लोग अपने होठों को लिप लिकिंग करते रहते हैं और मुस्तकिल अपने पास रखें लगाते रहें तो बहुत जल्दी आपके होंठ बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी पहले एक रेमेडी बना रहा हूँ जल्दी से, जिससे क्या होगा कि आपके होंठ बहुत खूबसूरत होंगे। ये देखिए बैंगन, छोटा वाला बैंगन, ठीक है, इसको और इसकी ये कैप समेत, ठीक है, बेबी बैंगन। हाँ बेबी बैंगन, जी जी बेबी बैंगन है ये, बेबी बैंगन है, ठीक है, ये बेबी बैंगन है। अच्छा इसमें क्या होता है कि ये बेहतरीन किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। अच्छा मैं इसको जरा काट के, ठीक है, और सभी छोटा वाला ही लेना है अगर कोई घर में, छोटा वाला, जी छोटा वाला बिल्कुल, ठीक है, ये घर में आप मार्केट में भी मिल जाएगा, छोटा वाला ही लेंगे, ठीक है। ये बहुत है, ये पूरे दो महीने का बनेगा जो मैं बता रहा हूँ उसमें बना के ना, ठीक है। मगर अभी मैं थोड़ा सा बना, ये अपने बैंगन को टुकड़े किए, ठीक है, डंडी के साथ, ठीक है, इसको मैं डालूंगा। अच्छा पहले मैं ये मिक्सचर बनाऊंगा ब्लेंडर में करके, ये आपने किया, बैंगन डाला, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध। अच्छा कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ते से क्या होगा कि और पाउटी होंगे बिल्कुल मिंटी, और ये डंडियों के साथ, ठीक है, ये देखें ये वाले कड़ी पत्ता डंडियों के साथ, ठीक है। ये मैं जल्दी से ब्लेंड, इसकी खुशबू भी आती जाएगी आपको, ठीक है, ये आपने किया।
पूरा मिक्सचर तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं आपके सामने लगा, ये देखिए, ये आप मिक्सचर बना, ये पूरा आप रखेंगे, ये देखिए आपने, ये इसका थोड़ा सा पेस्ट निकाला, ये देखिए, ठीक है। इसके अंदर डालेंगे मैं इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, जो खाते भी हैं, एक कैप्सूल डालेंगे, ठीक है, ठीक है। और फिर मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगा, इसे बड़ा ज़बरदस्त ना, एक आपने लिया कैप्सूल, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ ये ऐड करूंगा, ये देखिए, इतनी वैक्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपने किया, ठीक है। और ये इसमें अच्छी तरह से ये बन गया। अब आपके मैं लिप्स पे ना बस रखे, अच्छा, ये देखिए, ये 3 to 4 times a day, ये तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ टीवी पे, आप घर में उंगलियों से भी खुद लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, ये देखिए, ये तो आपको जब आप बैठी हुई हैं कहीं बाहर हैं, आप लगाती रहें मुस्तकिल, ये बड़ा ज़बरदस्त लिप बाम है। अगर आपके जेनेटिक्स में हैं या कोई बीमारी से हो गए हैं या खून की कमी से हैं, तभी हो सकता है, और स्मोकिंग करते हैं कुछ भी तब भी। अच्छा, यही हिस्सा, ये तो एक होंठों का हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा हिस्सा और कवर करूंगा, जो ये लड़कियों का हिस्सा होता है ना, ये देखिए, ये हिस्सा जो होता है, ठीक है। अच्छा, अमृता, आप देखती होंगी अक्सर ये होता है कि बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं किचन में काम कर रही होती हैं, तो गर्मी लगी, पसीना आया, यूं पसीना पोंछ लिया, तो वो शेफ अमृता बताएंगी उधर जब करके ना। अच्छा जी, वो आएंगी तो उनसे, उनको पूछिएगा सर उनसे ना डिटेल, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो हिस्सा, वो देखिए शेफ मनीजा डिटेल से बताएंगी कि जो लड़कियां किचन में काम कर रही होती हैं, वो क्या करती है, पसीना आया, यूं दुपट्टे से मुंह पोंछ लिया, ठीक है, बार बार। ये सारा, ये फंगस तो होता है, मगर ये सारा एक डार्क पैच बन जाता है, ठीक है, छिल छिल के भी, छिल छिल के ना, हाँ, ये देखिए। और ये आपका ये हिस्सा भी बिल्कुल जो डार्क हो रहा होता है ना, ये हिस्सा, इसको ये तेजी के साथ विद इन 7 days बिल्कुल गुलाबी और लाइट हो जाएगा, और लाइट हो जाएगा बहुत ना, और होंठ बड़े गुलाबी और पिंकिश, और ये थोड़ा सा मरूनिश जो टिंज आ रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो मर्द हज़रात स्मोकिंग करते हैं जिनकी वजह से लिप्स डार्क हो जाते हैं, वो भी ये यूज कर सकते हैं? मर्दों के लिए तो बहुत अच्छा, क्योंकि वो क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा शेव भी करवाते हैं, तो बहुत ज्यादा तेज तेजाबी चीजें यूज करते हैं, उससे होंठ आपके बड़े सख्त हो जाते हैं, ठीक है, होंठों को क्लियर करेगा, बड़ा सॉफ्ट रखेगा, मर्द और खवातीन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं इसके। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लवली हैविंग यू ऑन द शो। इंशाल्लाह खवातीन रोजात वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलता है आपसे। Ladies and gentlemen, आप देख रहे हैं The Morning Star, और हमारे साथ हैं हमारी किचन क्वीन। Assalamualaikum, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, और हमारे जो है व्यूअर्स कैसे हैं, हमें कॉल करके तो बताएं, है ना? बिल्कुल। अच्छा, आज थोड़ा सा जल्दी से क्विक से करेंगे, आज बना रहे हैं हम मैक्सिकन राइस। बिल्कुल ठीक है, कल जो आपने वो बनाए थे टॉर्टिला रैप्स, क्या कौन से थे? फाइटर रैप्स कल आपने बनाए थे, बहुत ही मजे के थे, लेकिन कुछ ज्यादा वक्त लग गया था उसमें। उसमें ऑब्वियसली क्योंकि आपने डो प्रिपेयर करनी है, फिर उसके बाद टॉर्टिलास बनाने हैं, चिकन वेजिटेबल्स कट करना है, तो वो टाइम लग जाता है, और इसमें भी उतना ही टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ये क्विक हम करेंगे, आज जल्दी से करेंगे, ठीक है। और आज हम बना रहे हैं मैक्सिकन राइस जिसमें कोई मीट नहीं है, कोई मीट नहीं है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, किस दिल से निकला ना आपके? नहीं, मेरा आपको पता है ना, मूड रोजाना चेंज होता है, और मैं यही सोच रहा था कि गोश्त और ये जानवर खाकर के मैं थक चुका हूं, क्योंकि बकरीद के बाद कंटीन्यूअसली यही चल रहा है। सीरियसली, तो सबसे ज्यादा बकरीद के बाद जो मुझे मजा आता है ना, वो दाल चावल में मजा आता है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, कभी कभी ऐसे भी होता है कि मैं अगर अपनी खुद घर में स्पेगेटी बना रहा होता हूँ ना, तो मैं उसके अंदर कोई मीट नहीं डालता हूँ। मैं ऑल, अगर आपको कोई भी, अगर आपने मीट नहीं खाना, जानवर बेसिकली एनिमल्स, अगर आप परहेज कर रहे हैं, जैसे कोई भी बीफ है या चिकन है या इवन फिश है फॉर दैट मैटर, मटन है, आप नहीं खाना चाहते, तो आप ऑलिव्स और मशरूम्स और ब्रोकली और इस तरह की सब्जियां डाल सकते हैं अपनी स्पेगेटी में, डालें, बहुत मजे की बनती है। अच्छा, एक बात तो बताएं, बताएं
घर वाले के आपको खाना नहीं पूछते, आप ही घुस के पका रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में ना एक्चुअली मेरा एक बहुत ही बेसिक सा घराना है, और हमारा घर बहुत ही ज्यादा रोटी सालन वाला घराना है, और मैं थोड़ा सा रोटी सालन से, आप बर्गर टाइप बनते हैं? नहीं, बर्गर टाइप नहीं, इनोवेटिव हो सकता हूँ। आपकी आपकी आदत मैंने थोड़ी अपनाई है, मैं खुद, मुझे अच्छा लगता है खुद प्रिपेयर करना, आई एम एंजॉयिंग इट दीस डेज। जिस तरह कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन जब लगे थे, तो मैंने गार्डनिंग एक तो अपनाई, और मैंने उन दिनों मैंने कुकिंग करना सीखी। अच्छा, उन दिनों में बड़े लोग कुकिंग सीख गए, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का तो खाना मिल नहीं रहा था, और उसका ये था कि हाँ भाई साफ सुथरा है नहीं है, तो बड़े लोगों ने काम कर ले जिसके लिए आया। अच्छा जी, काम ये लोग होते हैं, वो लोग होते हैं, इतनी बातें शेफ मुनीजा की, माशाल्लाह बातें खत्म नहीं होती। देखिए हमारे बैंड वालों ने पता है क्या बोला, क्या? यार ये गलत बात है, आप मेरे साथ गलत, आपको कह रहे हैं ये गलत बात है, वो आपको कहा है गलत बात है, काम करे, मुझे थोड़ी कह रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक चमचा होता, मैं यूं करके फेंकती उसको, नहीं ऊपर से तो वो बिल्कुल भी नहीं जाता, निशाना मेरा पक्का है, ठीक है। अच्छा, हमने जो है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, और जो है साथ साथ हम जो है तकरीबन मैंने 2-3 टेबलस्पून ऑयल इसमें पहले से थोड़ा सा शामिल कर दिया था, और मैं अब जो है इसके अंदर शामिल करूँगी बटर। तो बटर बड़ा जो है ना इसको मज़ेदार सा फ्लेवर भी देगा, खुशबू भी बड़ी अच्छी सी देगा इसको, ठीक है। ऑयल के साथ सॉल्टेड बटर है, हाँ ये सॉल्टेड है, आपके घर में जो अवेलेबल है आप वो ले लीजिए, अनसॉल्टेड लेना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक, फाइन चॉप्ड गार्लिक। अच्छा, इस राइस में जो है ना सारी सब्जियाँ जा रही हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं, आप इसको एज अ मेन कोर्स जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। शबुनी साहब, वो जो बटर जो घी से दूध को बना के निकलता है वो इस तरह मेल्ट नहीं होता, वो थोड़ा सा ग्रेनी रह जाता है। जो घी से जो फ्रेश बना के निकलता है ना, उसके अंदर वाटर होता है। अच्छा, ठीक है। जब आप उसको पकाते हैं मक्खन को, और उसके बाद वो जो है ना घी वाले फॉर्म में आता है। अच्छा, ग्रेनी होना इज गुड, लोग कहते हैं कि हमारा दानेदार घी हो। देखिए बिल्कुल लिक्विड बन गया ना, हाँ वो लिक्विड नहीं बनता, वो थोड़ा सा रहता है उसमें। देखिए क्योंकि ये रिफाइंड प्रोसेस से होके आ रहा है, एक बात है। अच्छा। वो आप घर में प्रॉपर अपने उससे साफ सुथरे तरीके से, और वो एक नेचुरल चीज़ है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है। अच्छा, हमने गार्लिक डाला है, इसकी जैसी खुशबू आएगी तो हम इसके अंदर फाइन चॉप अनियन ऐड करेंगे। इसके साथ बड़ा मज़े का ये है कि सर जो है वो जो एक ट्राइंगल वाले चिप्स जो आते हैं, आई थिंक नाम ले सकते हैं उसका, डोरिटोस, हाँ लेकिन इट्स अ ब्रांड नेम आई थिंक, जो है वो जो है खाए जाते हैं, और साथ में सालसा होता है, तो बड़ा मज़े का टैंगी सा फ्लेवर, और एक कंप्लीट मील है मज़ेदार सा। तो आप लोगों ने ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ी सी ट्राई करनी है इसको, ठीक है। अच्छा, हमने गार्लिक जैसे ही हमारा गोल्डन हो गया, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे फाइन चॉप्ड अनियन, ठीक है। तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ, मैंने एक प्याज जो है वो ले ली है, इसको भी हम जो है वो गोल्डन करेंगे। अच्छा, मैक्सिकन फूड जो है कुछ कुछ हमारे फ्लेवर से मिलता जुलता है, तो वो अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हम लोग जो है चाइनीज से ही नहीं निकलते कि हम दूसरी क्यूज़ीन्स की तरफ जाएं, है ना। मतलब आप देखिए ट्रेंड ही ये है, हर जगह चाइनीज़ मिल रहा है हर जगह, या फिर अब इंडियन फूड आ गया है। इंडियन फूड, हाँ, जैसे डोसा है, ये साउथ इंडियन फूड, हाँ साउथ इंडियन फूड जो है वो लोग जो है बड़ा पसंद, क्योंकि नॉर्थ इंडियन तो काफ़ी हद तक हम लोग फॉलो करते हैं, मिलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ना वहाँ पे क्या है, सब्जियाँ अंडे इन सब चीज़ों का, अब हमारे यहाँ क्या रुझान है कि गोश्त ही होना चाहिए, जैसे आप बात कर रहे थे अभी, चिकन हो या मीट हो, यही ज़्यादातर है हमारे यहाँ। लेकिन पाकिस्तानी जो खाना है वो बिल्कुल अलग होता है, और उसकी हमारी जो स्पाइसेस हैं उनका मेरे ख्याल से कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं, हमारे खानों का भी कोई मुकाबला नहीं है, दैट्स सो ट्रू। अच्छा, इसको हम गोल्डन कर रहे हैं, जैसे ही ये गोल्डन हो जाएगा तो हमने यहाँ पे 2-3 टमाटर जो है वो ब्लेंड कर लिए हैं, वो शामिल करेंगे। साथ इसके अंदर केचप जाएगी 2-3 टेबलस्पून, काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए, और पेपरिका पाउडर जाएगा जो उसको रेड सा कलर देगा, जो उसके राइस का कलर होता है बड़ा खूबसूरत सा होता है। साथ में हम चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून। और इस वक्त चलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ। खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, यहाँ बन रही है मैक्सिकन राइस, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। हम हमेशा जितने भी यंग पेरेंट्स हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको हम अपने शो के तवसुत से यही बताते रहते हैं कि अपने अपने बच्चों को नए नए करियर ऑप्शंस चूज़ करने दें। अगर कोई बच्चा आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको डिस्करेज मत करें, आप प्लीज़ इस बारे में तालीमात हासिल करें, अपना जो एक विजन है
इस बारे में ब्रॉड करें, क्योंकि आर्ट्स की पूरी दुनिया में बहुत वैल्यू है और कहते हैं ना, आर्टिस्ट इज़ ऑलवेज अ बॉर्न आर्टिस्ट। बाकी चीज़ें जो हैं, जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं, वो तो हम पढ़ लिख के सीख लेते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होता है, वो जो क्वालिटी होती है, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही आप में इंस्टॉल की जाती है और वही बच्चे बहुत बड़े आर्टिस्ट बनते हैं। आपकी मुलाकात आज एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से हम कराएंगे। हमारे मेहमान में आज हमारे साथ हैं फातिमा खालिद खान, एक बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट है। इन्होंने अपना बैचलर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में, फिर 4 साल का फाइन आर्ट में डिप्लोमा किया फ्रॉम कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स। नेशनली और इंटरनेशनली बहुत सारे शोज कर चुकी हैं और अभी मास्टर्स कर रही हैं हिस्ट्री में, आर्ट रिलेटेड सब्जेक्ट्स में। हमारे साथ हैं फातिमा खालिद खान। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, वेलकम टू द शो एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? खैरियत से? अच्छा फातिमा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यू आर अ विजुअल आर्टिस्ट, आप बेहतरीन काम करती हैं, इतने शो सारी करती हैं, जब व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप, क्या पेरेंट्स थोड़े से मुखालिफ थे कि क्या कर रही हो, प्लीज़ कोई डॉक्टर इंजीनियर बनो, जब तुम पे पैसे खर्च ही कर रहे हैं तो कुछ और क्यों नहीं पढ़ लेती? एक्चुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आर्ट में करियर बनाना, स्पेशली फाइन आर्ट में, पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती फैमिली से भी। लेकिन हमारी फैमिली में कुछ इस तरह सा माहौल है कि लाइक उनको लगा कि शायद अगर तो एक लड़की और लड़के में आपको तब फ़र्क होता है, एक लड़का करे तो उसको ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, लड़की होती है कि ओके शादी हो जाएगी एंड दैट, ये एक थिंकिंग होती है। लेकिन ये था कि मुझे बचपन से पता था कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, लाइक मुझे पता था कि मैं ड्राइंग्स करती हूँ बचपन से और मैं पेंट करती हूँ, और मुझे नहीं पता था कि इसमें करियर क्या होता है और आप आर्टिस्ट कौन होते हैं, बट आई न्यू फ्रॉम दैट स्टार्ट कि मैं आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, लेकिन क्या आपकी फैमिली में कोई थे, आपके पेरेंट्स में? नहीं, अब हमारी फैमिली में कोई भी आर्ट में नहीं है, लेकिन ये एक शौक होता है। मेरे फादर ड्राइंग्स करते थे और मेरे नाना पोइट्री करते थे, और हमारी फैमिली में एक माहौल था आर्ट का, लेकिन फाइन आर्टिस्ट कोई नहीं था या इस तरह से कोई नहीं करता। अच्छा, जब आपने एनरोल किया, वॉज देयर एनी पॉइंट जब आपको रियलाइज़ किया कि यार मैं वही पढ़ लेती जो मम्मी अब्बा कह रहे थे, ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है फाइन आर्ट्स बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि और सारी चीज़ें पढ़ना बहुत मुश्किल है, फाइन आर्ट्स मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लाइक आई वॉज सो पैशनेट, आई एम स्टिल पैशनेट अबाउट वट एवर आई एम डूइंग। तो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और मेरा काम भी उसी हवाले से है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप अपने ड्रीम्स को चेस करें और आप जो बनना चाहते हैं बने। बिल्कुल सही बात, आई थिंक आपको आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि आपकी इंक्लिनेशन किस तरफ है, और ख़वातीन और आज़ाद लोगों को जानने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को जानें, और अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हैं तो ज़िंदगी का सफ़र आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फातिमा का कुछ काम हमारे पास मौजूद है, हम आपको वक्तन फवक्तन दिखाते रहेंगे। फातिमा, बेसिकली मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को आप ये बताएं, विजुअल आर्टिस्ट का काम क्या होता है? विजुअल आर्टिस्ट या फाइन आर्टिस्ट कह सकते हैं, विजुअल आर्टिस्ट जैसे पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, फोटोग्राफी होती है, वो सारी विजुअल आर्ट में आती है। ठीक है, लेकिन विजुअल आर्ट जो मैं आपको जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ इतना सीरियस नहीं लिया जाता, उनको लगता है सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए या इस तरह का कोई काम होता है, लेकिन हमारा काम बेसिकली कोई मैसेज कन्वे करना होता है, सोसाइटी में कोई चेंज लाना होता है अपने काम के थ्रू। हम एक पूरे प्रोसेस से गुजरते हैं, 3 साल हमें चीज़ों से गुजरना होता है, एंड द लास्ट ईयर हम आके अपनी एजुकेशन में हम अपना आइडिया डेवलप करते हैं, देन उस पर हम थीसिस देते हैं। तो मतलब ये होता है कि हमारा बेसिक काम जो होता है, जिस तरह से एक राइटर का काम होता है, एक पोइट का काम होता है, कि वो अपने अपनी शायरी से या अपने काम से वो एक माशरे में एक चेंज लेकर आता है, तो एक आर्टिस्ट का भी यही काम होता है, बट ये होता है कि उसको समझना, उसको अप्रोच करना इतना आसान नहीं होता। और आई थिंक लोगों को इतनी नो हाउ भी नहीं होती कि कौन सा आर्टिस्ट इस वक्त क्या कर रहा है, और अनलकीली आई थिंक मीडिया जो हाउसेज भी हैं वो भी इतना ज़्यादा आर्टिस्ट को प्रोमोट करने से ज़्यादा आई थिंक एक्टर्स एक्ट्रेसेस की लाइफ में फंस जाते हैं। आई थिंक जितने भी पोर्टल्स हैं, आई थिंक आर्ट को आई थिंक 360 डिग्री हमें प्रमोट करना चाहिए। एटलीस्ट हम तो द मॉर्निंग स्टार पे आर्ट को बे इंतहा प्रमोट करते हैं, हम जब भी आर्टिस्ट को इंटरव्यू करते हैं, आई थिंक दे द प्राइड ऑफ द नेशन, और कोई भी ऐसा काम जो कि मुल्क के लिए एक लाइटर इमेज का काम कर रहा हो और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में लेके जा रहा हो, आई थिंक उसको हमेशा सराहना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। अच्छा फातिमा, मुझे एक बात बताएं कि आप जब भी अपने शोज करती हैं इंटरनेशनली, डू यू हैव दिस सेंस ऑफ नर्वसनेस, आपको थोड़ा सा एक वो जो आपको ऑफकोर्स जब आप इंटरनेशनली डिस्प्ले कर रही हैं अपना काम? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कोविड में 2020 में आपको पता है क्या सिचुएशन थी, तो लाइक हर चीज़ बंद हो गई थी, एंड उस टाइम में मुझे ये लगा, और बहुत सारे आर्टिस्ट और भी हैं, उन्होंने ऑनलाइन जो है
चीज़ों को मतलब देखना शुरू किया और अपॉर्चुनिटीज़ को देखना शुरू किया. तो लाइक उस टाइम ऑनलाइन इतने शोज़ आ रहे थे और इंटरनेशनली आपको अपने काम इतना दिखाने का मौका मिल रहा था. तो लाइक वो वाला ये वो वैसे नर्वसनेस नहीं हुई है, लेकिन एक ये होता है कि आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिले, मुझे बहुत प्लेटफॉर्म्स मिले और मैंने अपने टाइम को ज़ाया नहीं किया. मैंने ये देखे कि मैं किस तरह से बाहर अप्रोच कर सकती हूँ लोगों को, अपने काम को लाइक इंट्रोड्यूस करवा सकती हूँ. तो मेरा सारा टाइम जो था जो क्वारंटीन में इसी में गुजरा था कि मैंने अपने काम को मतलब लाइक शेयर किया एंड यू नो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको एग्जिबिट किया ऑनलाइन. बट या अच्छा, आपको कभी कोई ऐसा आर्टिस्ट रहा आपकी ज़िंदगी में जिसे आप बहुत इंस्पायर हुई हो और फिर आपको एक वक्त तक लगने लगा हो कि मेरा काम इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है? मेरा काम इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन व्हेन आई वाज ग्रोइंग लाइक मतलब मैं बहुत छोटी थी, मैंने अमीन गुल जी का को देखा था एक दफ़ा, इनका इंटरव्यू देखा था. ही वॉज दैट वेरी यंग एट दैट टाइम. तो अमीन गुल जी को जब मैंने देखा एंड आई वॉज लाइक OMG, मतलब ही वॉज मतलब मुझे नहीं पता था आर्टिस्ट कौन होते हैं, बट मेरे लिए पहला जो बंदा था जिसको मैंने देखा एज एन आर्टिस्ट वो अमीन गुल जी थे. एंड लाइक वो मॉडल्स की ज्वेलरी डिज़ाइन करते थे एंड इट वाज सो यूनिक. तो मुझे वो बहुत या वेरी ब्यूटीफुल. तो मुझे उनको देखकर फिर मैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ा वड़ा, यू नो जब आप थोड़ा सर्च करते हैं तो मेरी जो पहली इंस्पिरेशन थी वो अमीन गुल जी थे. देन उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप लोगों को देखना शुरू करते हैं, आप मिलना शुरू करते हैं. नाइन अब तो हर बहुत लोगों को मैं जानती हूँ और पाकिस्तान में इतने बेहतरीन आर्टिस्ट हैं और मुझे लगता है कि मतलब लोगों को पता होना चाहिए. अच्छा, हालिया आर्टिस्ट में आपको किनका काम अच्छा लगता है? मुझे इमरान कुरैशी का काम बहुत पसंद है. ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग. इमरान कुरैशी इज फैंटास्टिक. और एग्जैक्टली इमरान कुरैशी बहुत शानदार काम करता है. उन्होंने पूरी दुनिया में अपने शोज किए हुए, डिस्प्लेज उनके पूरी दुनिया में रहे. एंड ही इज वन सो मेनी अवार्ड्स इंटरनेशनली. आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट. मैं भी मिनिएचर प्रैक्टिस करती हूं. एक्सीलेंट. तो या सुपर्ब. खवातीन और हजरात, हम बात कर रहे हैं आर्ट्स की. इस वक्त फातिमा हमारे साथ मौजूद है. अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं. वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार. एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं. हमारे साथ मौजूद है फातिमा खालिद खान जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट है और वहाँ शेफ मुनीजा मैक्सिकन राइस तैयार करके बैठी हुई है खाने के लिए तैयार. जाहिर है जब आप बिजी होंगे तो हम तो खा के एंजॉय करेंगे ना. खाना क्यों ठंडा करें, हम सब खा जाए. सब कुछ खा जाए. देखिए खाना किसी के इंतजार में ठंडा नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी नाराजगी हो खाने से नाराजगी नहीं होनी. नाराजगी किसकी है? मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ ना, एक जनरल बात कर रही हूँ ना. मेरा कोई यहाँ तो कोई नाराज नहीं है. देखिए अक्सर मैं अपने बचपन में ये करती थी, अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा कोई जिद कर रही हूँ और कोई बात मनवानी हो तो मैं जो है ना वो भूख हड़ताल पे चली जाती थी. और भूख हड़ताल कुछ इस तरीके की होती थी कि मैं सबसे छोटी और लाडली बहन, तो मेरे जो बहन भाई होते थे वो छुप के मुझे कमरे में खाना ला के दे देते थे और अम्मा अब्बा के सामने भूख हड़ताल होती थी. लेकिन शमनी साहब आपके बचपन के टाइम पे तो पार्टीशन भी हो रहा था ना उस वक्त? नहीं नहीं, वो तो मेरी जवानी का टाइम था. क्या था? मेरी जवानी का टाइम था. ये तो मेरा बुढ़ापा चल रहा है, मैं 100 अबव हूं आपको पता है. अच्छा, ये तो सारे डॉक्टर कोराम और ये सारे इन सबके पास जा जा के मैंने ये बचाया हुआ है. बचाया हुआ है बिल्कुल, ऐसा ही है. फ्रीज करवा लिया मैंने अपने आप को. रेसिपी तो बता दो. मैंने आपको फ्रीज करवा लिया. अच्छा रेसिपी बता देते हैं आपको. रेसिपी हमने क्या किया मैक्सिकन राइस के लिए, क्या अच्छा बैक टू द रेसिपी. हमने रेसिपी में किया, सबसे पहले ऑयल लिया तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून. उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 बड़ा चम्मच भर के बटर शामिल करा, साथ इसके अंदर फाइन चॉप्ड गार्लिक यानी 1 टेबल स्पून भर के फाइन चॉप्ड गार्लिक लहसुन वो शामिल करा, उसको गोल्डन करा. उसकी खुशबू जब आ गई तो मैंने उसके अंदर 1 प्याज फाइन चॉप्ड वो शामिल करी, उसको गोल्डन कर लिया. साथ मैंने 2 से 3 टमाटर जो है वो ब्लेंड कर लिए थे, ठीक है. वो मैंने इसके अंदर जब प्याज गोल्डन हो गई तो मैंने इसके अंदर ब्लेंडेड टोमेटोज शामिल करे, 1 से 2 टेबल स्पून केचप के शामिल करे मैंने. और मैंने इसके अंदर शामिल करा चिली पाउडर 1 टीस्पून,
पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 पिंच शामिल करी और सॉल्ट हसब जायका आप शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने चिकन पाउडर शामिल करा और 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करा और ओरिगैनो मैंने शामिल करा 1 टीस्पून और इन तमाम चीज़ को मैंने भून लिया। जब वो थोड़ी भुनाई की तरफ आ गया, वाटर उसका इवोपरेट हो गया यानी पानी खुश्क हो गया, तो मैंने उसके अंदर शामिल करे कॉर्नस यानी भुट्टे के दाने जो ऑलरेडी डन थे और साथ साथ मैंने उसके अंदर शामिल करे लाल लोबिया उबले हुए वो शामिल करे और एक शिमला मिर्च जो उसको छोटे छोटे क्यूब्स कर लिया वो शामिल करा। आप इसके अलावा कोई और सब्ज़ियाँ शामिल करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वो हमने शामिल करके उसको थोड़ा सा सौते करा और इसके अंदर मैंने उबले हुए चावल 500 ग्राम लिए थे वो मैंने उसके अंदर शामिल करे, उसको मिक्स करा और मैंने उसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया ताकि तमाम फ्लेवर्स चावल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और चावल का आप कलर देखें इस तरीके से कुछ आएगा। इसके साथ आपने जो है वो सालसा मैंने बनाया था। सालसा के लिए मैंने क्या किया था, एक प्याज फाइन चॉप ले ली, 1 से 2 टमाटर फाइन चॉप ले लिए, उसके अंदर हरी मिर्ची 2 से 3 फाइन चॉप वो शामिल करी, 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करी और लेमन जूस शामिल करा उसके अंदर मैंने और जो है उसके अंदर सॉल्ट शामिल करा, हसब जायका उसको मिक्स कर लिया। साथ मैंने चीज़ फ्लेवर के जो है वो चिप्स ले लिए जो आपके पास अवेलेबल हों वो आप ले लीजिए। राइस के साथ मैंने सालसा सर्व करा साइड पे और जो है मैंने इसके साथ क्रंच के लिए चिप्स को ऐड करा। इन सबको आप मिक्स करके जब खाएंगे तो एक मैक्सिकन राइस का जो फ्लेवर आएगा बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा। तो हमारे मैक्सिकन राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल डन। थैंक यू वेरी मच मुनीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आई एम श्योर बहुत मज़े का बना होगा। ख़वातीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद है फातिमा खालिद खान जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल आर्टिस्ट हैं, बड़ा खूबसूरत काम करती हैं। ये क्या काम करती हैं चलिए चल के देखते हैं। फातिमा सुपर्ब, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, लवली वर्क। मुझे एक बात बताएं फातिमा, इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं इन चीज़ों की? इंस्पिरेशन आप अपने सराउंडिंग से ही लेते हैं ऑफ कोर्स और अपने हिस्ट्री से भी लेते हैं, लेकिन आर्टिस्ट के साथ एक प्रॉब्लम होता है कभी कभी क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, आप सोच रहे से कहाँ से रोते हैं, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हैं यू जस्ट डोंट फील इट कि नहीं यार ये सही नहीं हो रहा, उस तरह की सिचुएशन से आप कैसे बाहर आते हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं और वो उस तरह से आपके अंदर से नहीं बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये कि आप कुछ गलत कर रहे हैं या फिर आपको ब्रेक की ज़रूरत है, ये भी एक चीज़ होती है। फिर लेती हैं ब्रेक? ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेना चाहिए। और क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू इन द ब्रेक? नहीं, ब्रेक में आप कुछ टाइम के लिए अपने काम से ब्रेक ले लेते हैं, आप कुछ और कर लें उसकी जगह, आप पढ़ लें, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर लें या बिल्कुल। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताए, एक थोड़ी सी रोमांटिक बात है जो कि बहुत ज़रूरी है करना। कहते हैं कि आर्टिस्ट का, एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए दिल टूटना बहुत ज़रूरी होता है, इज़ इट ट्रू? मेरे ख्याल से एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए आपका अच्छी ऑब्जर्वेशन होनी ज़रूरी है। दिल का कोई ताल्लुक नहीं, दिल का ताल्लुक कहते हैं आर्ट तो दिल से ही आता है। हाँ, तो आपका दिल अपने आर्ट में होना चाहिए और आपका अपना काम में मोहब्बत होनी चाहिए, ऑब्वियसली तो आप अच्छा काम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन वो कहते हैं जो जुनून की कैफियत जब तारी होती है, दैट्स द टाइम व्हेन यू क्रिएट एक्सेप्शनल पीस, तभी क्रिएट होता है। देखिए बहुत सारी बातें जो होती हैं ना, लाइक वो जो होती है ना कि आप एक बस एक बनाया हुआ होता है, एक हवा बनाया होता है। आर्टिस्ट हम लोगों का, हम सोचते हैं कि आर्टिस्ट होगा वो अजीब से हाल में होगा, उसके हाथ में ब्रश होगा, वो जैसे स्ट्रोक कर रहा होगा। एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता जी। मतलब आर्टिस्ट होता है वो बड़ा, मतलब इंटेलिजेंट होता है, वो बड़ा फॉरवर्ड थिंकर होता है एंड एवरीथिंग आगे की सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरह से हम काम करते हैं बड़ा प्रोफेशनली। लेकिन मुझे बात बताएं फातिमा, डू यू थिंक ये पेंटिंग से या मिनिएचर आर्ट से रेवोल्यूशन आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? जब आप हिस्ट्री उठा के देखें, यूरोप में आर्ट से रेवोल्यूशन आया है। बिल्कुल, तो अब क्यों, अभी हम क्यों नहीं ला सकते हैं? लेकिन हमारे यहाँ उसकी कदर होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, जो पिछली जनरेशन, हमारे जो वालदैन की जनरेशन है, उन्होंने हर चीज़ को एक पैसे के तराजू में तोला, ये पढ़ लोगे तो इतने पैसे मिलेंगे, वो पढ़ लोगे तो इतने पैसे मिलेंगे। मेरे ख्याल से हम लोग
बहुत सारी जनरेशन में खवातीन और हजरात अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज को सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के चश्मे से ही हमने देखा है, है ना। एक आई थिंक उसी लाइट में हम लोगों ने उसी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारी है। ये पढ़ोगे तो ये इतने पैसे मिल जाएंगे, ये पढ़ोगे तो इतना लीज मिल जाएगा, बस नहीं। मुझे लगता है अपने हिसाब से तो वो ठीक थे क्योंकि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, तो अगर हमारे पेरेंट्स ऐसा सोच रहे थे इस वक्त तो वो किसी ना किसी आज भी ऐसा ही सोच अभी भी सोचते हैं, लेकिन अब जो नई जनरेशन है उस वो अलग तरीके से सोचने लगी है, वो अब इतने कंट्रोल नहीं है, वो अपने डिसीजन अब खुद लेने लगे हैं। लेकिन ये है कि वालदैन बहुत दफ़ा सही भी कह रहे होते हैं और लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा सही कह रहे होते हैं। हम मतलब इट वेरी मतलब ये वेरी आपका काम भी आपका काम भी बहुत ज़्यादा एक मुख्तलिफ तरीके की पेंटिंग्स हैं, कहीं कहीं बहुत सारे कलर्स हैं, कहीं बहुत सटल कलर्स हैं, ज़्यादा कलर्स नहीं है। इज इट मूड डिपेंडेंट ऑल्सो? बाज़ एग्जीबिशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और मतलब कॉन्सेप्ट आप किस पे कर रहे हैं, लेकिन ये होता है बाज़ आपके मूड पे भी डिपेंड करता है कि आप किस मूड में हैं, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। मुझे कलर्स बहुत पसंद हैं, लेकिन ये होता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से हमेशा बाहर निकलने की कोशिश करती हूँ जी, तो इसलिए मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ। अच्छा, अगर इफ समबडी वांट्स टू रीच आउट टू यू और ये आपके कोई काम देखना चाहता है या अपने घरों में लगाना चाहता है, दे वांट टू बाय सम पेंटिंग, उसका क्या तरीका कार है? डू यू हैव एन इंस्टाग्राम? ठीक है, और वहाँ से ऑपरेट करते हैं? वहाँ से हाँ जी, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे ईमेल भी उसमें है, मेरी वेबसाइट भी उसमें है, ठीक है। और आपका सारा काम भी वहाँ पर? वहाँ पे काम भी है, मैक्सिमम जितना मेरा काम है, डिस्प्ले जो हो चुका है। एक्सेलेंट। फातिमा का इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कीजिए, फातिमा खालिद खान एक बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, एंड आई एम श्योर कि इनकी जो पेंटिंग्स हैं, इनका जो मिनिएचर काम है सारा, वो आपके घर को और खूबसूरत बनाएगा। और खवातीन हज़रात, प्लीज़ जो भी आपके वीकेंड्स आते हैं, आप प्लीज़ आर्ट गैलरीज को विज़िट करें, अगर कोई आर्ट एग्जीबिशन हो तो वहाँ ज़रूर जाइए, अपने बच्चों को दिखाइए, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है करने की। और मेरे ख्याल से जितने लोग आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन काम करता है, उनकी इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाले लोगों के अंदर एक नेचुरली कामनेस आती है, एक सूदिंग बिहेवियर उनका हो जाता है। फातिमा, इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग टाइम आउट, और हमारी यही दुआ है कि आप इसी तरह कामयाब रहें और आगे बढ़ती रहें। खवातीन हज़रात, एक बड़ा शानदार ड्रामा सीरियल आप आज रात को देखेंगे जिसका नाम है दिल भटकेगा, और चलिए चल के उसका ट्रेलर देखते हैं। वो इसी तरह दुख और सदमे में रहेगा तो अगले महीने एग्जाम्स हैं, उसका क्या बनेगा? ये जिंदगी इसी का नाम है, दुख गम खुशियाँ सब आती जाती रहती। मुझे देखो, मेरे इस घर की दीवारों को देखो, यहाँ मायूसी और तन्हाई के सिवा कुछ नजर आता है? दर्द जितना भी शदीद हो, क्रोध होके कम पड़ ही जाता है। मेरे पर्स से 2 लाख रुपए चोरी हो गए, मुझे यकीन है कि पैसे रामिस नहीं निकाले। क्या खवातीन हज़रात, आज रात 8 बजे आप देख सकते हैं दिल भटकेगा, TV1 का एक बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए, कल सुबह फिर हम आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने आज आपको सुबह पहली चीज़ बताई थी कि हमें कभी भी मदर्स डे या फादर्स डे या फ्रेंडशिप डे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, रिश्ते आपको रोज़ाना सेलिब्रेट करने चाहिए, लेकिन मखसूस तौर पर ख़ास तौर पर आज का दिन आप डेडिकेट कीजिए अपने पेरेंट्स को और उनको एक सरप्राइज़ दीजिए, खाने पे बाहर ले जाइए या अनएक्सपेक्टेडली उनके लिए कोई तोहफा लेके जाइए। दिस विल मेक देयर डे, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। लेते हैं ब्रेक के, अब आपसे अलविदा लेते हैं, कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक ज़बरदस्त शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, रेसिपी कार्ड देखना मत भूलिएगा, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनाई है हमने, मैक्सिकन राइस। कोशिश यही करते हैं कि कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा मीट की तरफ लेके जाएँ, और कभी कभी ये कोशिश होती है कि मीट से बिल्कुल दूर ले जाके आपको एक नया ऑप्शन बताएं जिससे आपकी सेहत भी अच्छी और जायका भी उसका अच्छा। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।